अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू गुड सर, दिस इज़ यावर। और गाइस माशाल्लाह दिवनार में आज आया हूँ मैं। ट्यूसडे का दिन है और आते के साथ ही दिल खुश हो गया माशाल्लाह। ज़बरदस्त प्रिपरेशन की तैयारी चल रही है पहाड़ों के साइड पे, देख लीजिए आप लोग। ये वीडियो में इंशाल्लाह पूरे जानवर दिखाऊंगा मैं, और जो तैयारी थोड़ी बहुत दिखा पाऊंगा दिखाऊंगा, और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा इसका उसमें पूरी तैयारी दिखाऊंगा, क्योंकि इतनी तैयारी हो गई है सैटरडे के कंपेयर में जो मैं आया था ट्यूसडे में, कि ऑलमोस्ट बोलूँगा 90% पूरा दिवनार का काम कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा फास्ट चलो उठा, ठीक है, और यहाँ से ऊपर चढ़ा के बाहर निकाल लो। ये देखिए आप लोग माशाल्लाह पूरा ऑलमोस्ट तैयार। राइट मारते हुए लेफ्ट मारना, राइट मारते हुए राइट मारो। हाँ ये देखिए आप लोग, साइड पे कुछ भी नहीं था, ये पूरा खड़ा हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह। एकदम अलग फील और एक्साइटमेंट है दिवनार चालू होने की। अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं बाकी है, बैक साइड के भी सब बाड़े वगैरह सब बन चुके हैं, शेड वगैरह सब कवर हो गए, 90% मैं बोलूँगा काम हो गया है। ये देख लीजिए आप लोग, ठीक है, पुलिस का अरेंजमेंट, काउंटर बोर्ड का एवरीथिंग। इंशाल्लाह डिटेल वीडियो बनेगी तैयारी के ऊपर पूरी सेकेंड पार्ट में, तो आप लोग वो ध्यान से देखिएगा। ये देखिए इस साइड का भी शेड, जो बीच का है पोर्शन था वो भी पूरा खड़ा हो गया वहाँ पे, उस साइड पे काम एकदम ज़ोरों शोरों में चालू है। तो ट्यूसडे की मंडी है आज, तो चलते हैं देखते क्या जानवर आया, पहले वो दिखाएंगे, इंशाल्लाह वीडियो कंटिन्यू करेंगे। विद प्राइस वीडियो रहेगी तो लास्ट तक आप लोग जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं और वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस अभी ये माशाल्लाह से अजमेरा में और कुछ अंडुल खस्सी में, दोनों में कलेक्शन आया हुआ है दुनार में। हमारे भाई बकरे लेके आए फॉर सेल के लेदर, तो इंशाल्लाह उनसे डिटेल प्राइस वगैरह सब लेंगे। तो सबसे पहले आप जानवर देख लीजिए एक एक करके, उसके बाद मैं इंशाल्लाह प्राइस और डिटेल वगैरह सब बता दूंगा आपको, ठीक है। एक है ये, दूसरा जानवर ये माशाल्लाह, ये देखिए सब माशाल्लाह एकदम खूबसूरत चीज़ है। तीसरा ये देखिए, और चौथा ये इधर वाइट आइज में, सब एकदम खूबसूरत चीज़ है। ऐसा भी नहीं कि आड़ी तड़ी सेट है, और माशाल्लाह ये देख लीजिए आप लोग, ये खस्सी वाला बच्चा भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। तो की डिटेल लेते हैं पहले एक एक करके, एक एक जानवर की, उसके बाद इंशाल्लाह प्राइस बताऊंगा। भाई एक ये चारों जानवर भाई अपने ही है ना? जी भाई, ये भी चार अपने, चार अच्छा वो भी अपने ना, तो एक एक करके मेरे को खाली डिटेल बताई नहीं, क्या दांत वजन और प्राइस? चार दांत के हैं, खस्सी में, खस्सी है, खस्सी में। वजन में? वजन 65 नापा हुआ था, हाँ। बट 2-4 किलो अगर थोड़ा रहेगा तो भी 62 प्लस है, 60 से 65 के बीच में बोल सकते हैं, 65 के बीच में है बराबर, हाँ। और कितने में देना है ये? इसका भाई छोड़ने का रेट में बता दूं तो 30 तक के अपने को देना है, 30 में देने का, माशाल्लाह वाजिब रेट है। गुफरान थोड़ा बाहर निकालो बकरे को यहाँ से वहाँ से, बहुत अच्छा रेट दिया भाई ने, 30,000 रुपये, और जो भी नेगोशिएबल इंशाल्लाह रहेगा इसमें वो भी करके दे देंगे। आप लोग कॉल करिए आइए भाई, ये लोकेशन क्या है, अल्लाह ना करे बाई चांस यहाँ नहीं बिकता आपका, तो कहाँ पे देखने मिलेंगे लोगों को? अभी तो भाई फिलहाल इधर ही हूँ जब तक मंडी है। हाँ जी भाई, मतलब जब तक मंडी, आज के दिन बोल रहे हो ना? जब तक मंडी है भाई। अच्छा जब तक मंडी आप यहीं पर ही हो तो कोई टेंशन नहीं, चलेगा। तो एक बार पहले आपका नंबर बताओ ना। 9082468 बराबर 937, ठीक है। और ठीक है सेकंड जानवर ये देख लेते हैं, क्या डिटेल, वजन? दो दांत पे है भाई, दो दांत पे है जी भाई, दो दांत पे है, खूबसूरत चीज़, 45 तक के रहना चाहिए वजन इसका भाई, जैन वन एकदम आना चाहिए, आराम से आएगा। इसका प्राइस थोड़ा सा हाई है, हाँ, यानी खूबसूरती की वजह से। इसका भाई 40 आस्किंग है, 40,000 जी भाई, 40 आस्किंग है इसका, हाँ, नेगोशिएबल है ना, स्लाइडली उसमें भी नेगोशिएबल है, हो जाएगा ना, चलेगा माशाल्लाह। 40,000 रुपये डिमांडिंग है और नेगोशिएबल हो जाएगा, ठीक है। पूरा गुलाबी मार्बल सिंह का बच्चा, हथियार वगैरह देखिए आप लोग, बहुत खूबसूरत चीज़, ठीक है। ये इधर है, इसको ही ले लेते पहले, ये अदन पे दो दांत करने की कोई उम्मीद इसकी नहीं कर सकते, थोड़ा पीछे लेंगे भाई, 10 महीने का बच्चा है भाई, एकदम जीरा दांत पे, अच्छा वाइट आइज में आया ना, माशाल्लाह। और वजन में कितना रहेगा ये भाई? वजन में 45 तक के प्लस रहेगा भाई। और खस्सी है? खस्सी है, खस्सी माशाल्लाह, कोई पालने के लिए लेता है तो बेहतर चीज़। और कितने में आएगा भाई ये? इसका आस्किंग भाई 26 है, 26,000 रुपये जी भाई, 26,000 आस्किंग है, हाँ। इंशाल्लाह उसमें भी थोड़ा डिस्काउंट मार के आपका कोई नाम लेके आएगा तो 24 तक के, 24,000 जी भाई, 45 kg है, 45 kg प्लस है भाई, प्लस है इंशाल्लाह, और दंत आएगा
माशाल्लाह वाइट आइसिंग। चौथा मेवाती देख लेता ये देखिए आप लोग माशाल्लाह दम गरम। ये सब भाई आपके पाले हुए जानवर है? सब पाले हुए घर के जानवर है भाई। क्या डिटेल इसकी दांत में? छह दांत फ्रेश लगाया है। छह दांत फ्रेश लगाया है। हाँ 39 की हाइट है। अच्छा बॉडी वेट 70 तक जाएगा। 70 केजी जी भाई 70 तक बॉडी वेट है। माशाल्लाह लेंथ भी अच्छी है बकरी की। हाइट 39 है नापी हुई है। कंफर्म है ना? जी भाई कंफर्म कंफर्म हाइट है माशाल्लाह 39 की। और क्या आस्किंग है इसका? इसका भाई 40 आस्किंग है। 40,000 रुपये जी भाई। और वजन क्या बताया था आपने? 70 तक जाएगा। 70 केजी जी भाई। 70 केजी और माशाल्लाह। और आप झालर वगैरह देखिए और छह दांत फ्रेश बता रहे हैं ना? छह दांत फ्रेश है। छह दांत फ्रेश है माशाल्लाह। कलर वलर का भी बहुत खूबसूरत। 70 केजी और 45 आस्किंग। 40 आस्किंग। 40 आस्किंग है। उसमें नेगोशिएबल हो जाएगा इंशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है उसके बाद वो भी अपने ही है ना? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो ये पहले सब चारों जानवर देख लिए हमने। और भी जानवर है इंशाल्लाह वो भी दिखाते हैं। चार और है। तो खस्सी भी माशाल्लाह 30,000 रुपये डिमांड की है। 65 केजी के आसपास का 24,000 40,000 और वो भी 40,000 नेगोशिएबल इंशाल्लाह। जो भी इंटरेस्टेड है नंबर मैंने दे दिया आप लोग कॉल करिए ठीक है। तो गाइस माशाल्लाह भाई ये बच्चा लेके आ रहे हैं। थोड़ा दिखाओ ना भाई 2 मिनट थोड़ा पीछे लेके जाओ। चेहरा दिखाओ जरा। चेहरा कितने में लिए भाई आपने? पालने के लिए लिए माशाल्लाह। यहीं से लिए कि बाहर से मंगाए थे? माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। लोकेशन क्या है? कहाँ ले गया हो गया? मुंबई। अच्छा मुंबई अपने यहाँ से? नहीं माशाल्लाह खूबसूरत चीज़ है भैया। 12,000 रुपये में 12,000 खूबसूरत चीज़। जजाक अल्लाह भाई। वाले तो भाई ये और क्या क्या नस्ल बोले? कोटा कोटा है भाई प्योर कोटा। माशाल्लाह दांत में? चार दांत फ्रेश है भाई। चार दांत फ्रेश। और वजन में? वजन 50 रहना चाहिए भाई। 50-52 50 के जी। हम 50 ही पकड़ के चलते। 50 पकड़ के चलते माशाल्लाह। सिंह सिंगार कान की लेंथ भाई। ब्राउन कलर है ब्लैक है? ब्लैक है भाई। वो शेडो में रहेगा तो ब्राउन है। धूप में आप लेके निकलेंगे पूरा ब्लैक शाइन करता है। अच्छा एकदम रेडियम। तो ये कितने में आएगा भाई? ये भाई 30 तक के छोड़ना है इसको। 30,000 रुपये जी भाई। और वजन 50 बताना? वजन 50 है। 50 के जी और 30,000 रुपये में इंशाल्लाह देने का। बीच में ये भी बचा था ना खसी है? ये अंडूले? ये अंडूली था। हाँ भी पंच मारा हुआ। अच्छा हरकत बहुत ज़्यादा थी भाई। हाँ अभी भी गर्म है वो मतलब खाली नहीं है बाकी खेल वेल में है बच्चा। डिटेल क्या है इसकी? चार दांत का बच्चा है भाई। हाँ 40 तक के वेट होगा। 40 के जी चार दांत। प्राइस? प्राइस इसका भाई 20,000 रुपये माशाल्लाह। अच्छा रेट है ठीक है। अगर कोई कम बजट में कुर्बानी के लिए लेना चाहता है जो भी प्राइस बताया इसमें थोड़ा बहुत नेगोशिएबल 19-20 तो हो जाएगा ना? स्लाइटली थोड़ा बहुत हो जाएगा भाई लेकिन इसका मुश्किल है। नहीं 2-500 तो लोग इधर उधर बोलते ही है। आएंगे तो अपने हिसाब से लोग आएंगे तो अपने हिसाब से आगे देख लेना भाई। चले एक बार नंबर वापस बताओ ना। 9082 हाँ 468 हाँ 937 ठीक है। चलेगा जजाक अल्लाह भाई ठीक है। तो आप लोग कॉन्टेक्ट करिए भाई से जो भी जानवर लेने में इंटरेस्टेड है। सबका मैंने प्राइस इंशाल्लाह बताया ही हूँ आप लोग को। ओके तो चलते हैं आगे देखते हैं और क्या माल आया है वो दिखा। तो गाइस इधर भी ये 2 बकरे लिए हुए चचा ने माशाल्लाह। कितने में लिए चचा आपने? कितने में लिए? 25 में दोनों माशाल्लाह। 25 में। और ये बकरा देखें माशाल्लाह वाइट आइज में है झालर में बहुत बड़ी मतलब 41 तो हाइट आराम से कंफर्म आएगी ठीक है। 70,000 रुपये बना चुके ये बनाया है इसने। 70,000 रुपये माशाल्लाह जानवर देख लीजिए। और 70,000 रुपये इसका वजन भी नहीं 65 केजी तक के रहेगा। 70,000 रुपये डिमांड कर 70,000 है। खूबसूरत गुलाबी वाइट आइस लेकिन 70,000 रुपये। तो कुछ नेगोशिएबल क्या ही कराएंगे। तो चलते आगे खस्सी बकरे भी दिखे तो इंशाल्लाह वो भी दिखाता हूँ। तो गाइस लाइव सौदा चालू है। खस्सी बकरों का लॉट है और चालू है अभी तो बीच में पहले जाएंगे नहीं बाद में प्राइस वगैरह क्या चल रहा पूछे थे। शायद डन हो गया। डन
हो गया 14 डन। हमारे भाई भी मुमरा से आए माशाल्लाह। क्या नाम है भाई आपका? रैयान भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, स्पेशली अपने लिए आए भाई, तो इंशाल्लाह साथ में वीडियो बनाएंगे आगे की, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। भाई भी थोड़ी हेल्प करेंगे, क्या है बकरा पकड़ना है, प्राइस पूछने में माशाल्लाह, ठीक है। तो यहाँ का तो 14 डन हो गया, तो चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या माल है, इंशाल्लाह वो दिखाता हूँ क्या प्राइस में गया है, ये शायद नहीं बताएंगे, फिर भी कोशिश करूँगा अगर आते हो मेरे को दिखते हैं ये, ठीक है। चलो भाई आगे देखते हैं और क्या माल है वो देखते हैं इंशाल्लाह। तो गाइस यहाँ पे वाइट आइस का माशाल्लाह बच्चा है, ये देखिए आपको, ठीक है। दांत वगैरह तो देखा नहीं, वजन का एक अंदाज़ा दूँ तो 65 से 70 kg, और भाई अभी प्राइस पूछ के ही गए थे, इसका 65,000 रुपये मांग रहे हैं, 65,000, और केजी भी वही 1,000 के आसपास आप लोग पकड़ लो। बकरा नो डाउट है, लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा है। माशाल्लाह हाइट वगैरह का भी अच्छा है, 65 नेगोशिएबल, क्या नेगोशिएबल करेंगे इसमें अल्लाह बेहतर जाने। बाकी दो तो कट्टू बकरे थोड़े ये, ठीक है, इसका प्राइस नहीं पूछूंगा। ये जानवर देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा, ठीक है। तो जिसको अगर ट्राई करना है कम ज़्यादा करके, प्राइस 5 में गाला नंबर 16 पे आप लोग को आना पड़ेगा, उसके भारी बंदा हुआ ये बकरा, ठीक है। कंटेनर एक सिंपल लोकेशन उसके सामने। तो गाइस अभी मैं हूँ S2 में, गाला नंबर 9 में, माशाल्लाह पूरा खस्सी बकरों का लॉट आया हुआ है, देखिए आप लोग टोटल पूरे खस्सी बकरे हैं माशाल्लाह, देखिए एक से बढ़ के एक है, और खूबसूरती बोलिए, कलर कॉम्बिनेशन, और सब जानवर सिंग में हैं और कोई बिना सिंग के भी, लेकिन अंडूल आप लोग को कोई नहीं मिलेगा, टोटल सब खस्सी माल है। व्यापारी वगैरह इधर देख लीजिए, आप लोग को है नहीं, अभी माल उतरा है, ये कंटेनर के एग्जैक्ट सामने है, और लोकेशन ही सामने दिख रहा होगा आप लोग को, S2 में गाला नंबर 9। जैसे एक आध बकरा खस्सी में भी है माशाल्लाह, खस्सी बोल रहा हूँ मैं, सिंग वगैरह का भी है, वो भी दिखाता हूँ मैं जो सामने है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बच्चा ये, ठीक है। प्राइस के लिए आप लोग को इधर आना ही पड़ेगा, क्योंकि फिल वक्त जब मैं हूँ व्यापारी नहीं है, अगर आता है तो इंशाल्लाह मैं आप लोग को प्राइस बता दूंगा। पूरा खस्सी बकरों का लॉट उतर चुका है माशाल्लाह, एक से बढ़ के एक, ठीक है। प्राइस क्या रेंज क्या साइड पर रहता है वो तो वक्त बताएगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह यार भाई, 40,000 रुपए की पट्टी बोल रहा व्यापारी, फाइनल पूछा तुमने? मैं पूछा ना भाई, 40 की पट्टी, 40,000 रुपए की पट्टी, मैं बोला कितने बकरे इसके अंदर, बोलता भाई 4 बकरे बड़े बड़े, बाकी ये सब छोटे। लो भाई 40,000 की पट्टी, आयाज मैंने सामना कहा, बड़े बड़े भी है लेकिन वो भी 40 के वर्थ के नहीं है, और छोटे तो फिर 40 केजी के भी है, 35 केजी के आसपास के भी है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते, देखते और क्या माल इंशाल्लाह वो दिखाता हूँ। तो गाइस दो अजमेरा की जोड़ी माशाल्लाह, जानवर फुल गरम, एकदम एक्सट्रीम गरम है, ये भी शायद समझ में नहीं आ रहा है, इतना शांत खड़ा हुआ है, लेकिन बहुत गरम बकरा है माशाल्लाह। ये है S4 में, गाला नंबर 4 में ही, ये देखिए देखिए शुरू शुरू हरकत शुरू, ये दोनों जोड़ी है माशाल्लाह, ठीक है। वजन पीछे वाला कम रहेगा 40 केजी, और ये रहेगा 55 केजी तक के, ठीक है। और दांत वगैरह तो मैंने चेक नहीं किया, उफरान दांत चेक मत करो जान दो, फिर वो बवा कर रहा है और गर्म होएगा, ठीक है। ये देखिए अलग लेवल की गर्मी में चल रहा है, नज़दीक भी नहीं जाने का, एकदम डेंजर। अरे अरे अरे, ठीक है 70 की जोड़ी, अब जो नेगोशिएबल रहेगा इसमें भी इंशाल्लाह आप लोग को आके करवाना पड़ेगा, 70,000 रुपये। ठीक है तो चलते हैं, और क्या जानवर एक सामने भी है मेरे, वो भी दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए आप लोग, ये भी अंडूल में है, हाइट वगैरह का भी अच्छा बच्चा है माशाल्लाह, ठीक है। इसका प्राइस नहीं मालूम क्योंकि ये अलग किसका है और वो है नहीं बंदा यहाँ पे। तो चलते हैं अंदर, खस्सी बकरे भी आते हैं बैक साइड पे, वो देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ से बंद है भाई, बैक साइड से आना पड़ेगा, यहाँ से बंद है भाई। तो गाइस यहाँ पे भी एक बकरा है माशाल्लाह, ये सब के प्राइस ना आप लोग को आके बताना, आप लोग को आके पता चलेंगे माशाल्लाह। वाइट आइज में है, लंबे कान में है माशाल्लाह, चेहरा देखिए आप लोग पहला, बहुत खूबसूरत चीज़ है झालर वगैरह में, और वज़न में भी 90 तक के रहेगा, ये 85 एनी हाउ आएगा,
माशाल्लाह। दूसरा ये है इधर कोल्ड ड्रिंकल्स में, माशाल्लाह तीसरा बैठा हुआ है वाइट आइज में, सब खूबसूरत बकरे। ये लोकेशन माशाल्लाह बहुत प्यारा बकरा है, बाहर निकली और सही से खड़ा रह गया, इसका वीडियो बनाऊँ ना मैं, लंबे कान में मुंडे में S4 में गाला नंबर 14 इसके भारी बंदे हुए। तो प्राइस वगैरह के लिए आप लोग को इधर आना पड़ेगा, आके इंशाल्लाह कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप लोग, इधर व्यापारी वगैरह बैठे रहते हैं, ठीक है। तो चलते हैं देखते आगे, माशाल्लाह पाए वगैरह देखे इसके बहुत खूबसूरत चीज़, तो आगे चलते देखते और क्या माल है इंशाल्लाह वो दिखाता हूँ। तो गाइस दोनार की वीडियो मैं एंड कर नहीं पाया, एक्चुअली मसले मसाइल बहुत है दोनार में, जो यूट्यूबर्स शूट कर रहे हैं उन लोग देख दाख के आप लोग वीडियोस बनाई हैं, मेन पहाड़ों की आप लोग को स्ट्रिक्टली मेरे हिसाब से एक मेरे से गुजारिश है पहाड़ों की आप लोग शूटिंग नहीं मत कीजिए, और बकरों की भी बना रहे हो तो आप लोग देख दाख के बनाइए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत इशू बहुत बवाल है दोनार में, मैं वीडियो एंड नहीं कर पाया, एक्चुअली मेरे पूरे वीडियो जो भी थे सब डिलीट हो गए, और जो मेरे शूट करे हुए थे पहले के लोगों ने सब डिलीट कर दिए दोनार से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं। तो क्या हुआ वो तो मैं चलो ठीक है, अल्लाह का एहसान है कि मैंने कहाँ कहाँ से वीडियो मिल गई मेरे को, तो जितनी मिल गई मैंने डाल दिया हूँ, और आगे की जो बाकी की पूरी हट गई है और A to Z पूरी डिलीट हो गई, तो शायद थोड़ा टाइम दोनार की वीडियोज़ वगैरह आएंगी नहीं, तो बकरा ईद के सीज़न में इंशाल्लाह आएगी, बाकी कोशिश करूँगा मैं, उसके बाद मैं बोल नहीं सकता हूँ। जितनी वीडियो बच गई शफल अप हो गई थी, जो मिल गए वो मैं डाल रहा हूँ, बाकी की नहीं डाल पाऊँगा तो चलेगा, मैं वीडियो को एंड नहीं कर पाया था, तो मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए दूसरी जगह खड़े रह के मैं ये वीडियो एंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो दुआ में याद रखिए, और यूट्यूबर्स से भी रिक्वेस्ट है पहाड़ों का ना बनाएं, कुछ भी हो जाए पहाड़ों के आप उसमें जाइए मत, सेक्शन में ना दिखाइए, बकरों का कर रहे हो आप लोग तो थोड़ा देख दाख के करिए, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।